नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉनपॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल से घुस आए 70 हाथियों के झुंड ने मचाई तबाही, खेत खलिहान नष्ट किए, कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। जान बचाने के लिए ग्रामीणों ने 33,000 हाई टेंशन टावर पर चढ़कर लिए शरण। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में पहुंचे वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव, राज्य में बैंकिंग सुविधाओं और योजनाओं की समीक्षा की। आदित्यपुर पुलिस ने ट्रिपल मर्डर मामले के एक और आरोपी शेरू सरदार को किया गिरफ्तार। और लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। झारखंड बंगाल सीमा के चाकुलिया क्षेत्र में घुस आए 70 गजराजों के झुंड ने काफी तबाही मचा दी है। हाथियों ने खेत खलिहानों के अलावा कई घरों को भी तहस नहस कर डाला है। हाथियों ने इतना दहशत फैला रखा है कि ग्रामीण 33,000 हाई टेंशन टावर पर चढ़कर अपनी जान बचाने को मजबूर हो गए हैं। चाकुलिया वन क्षेत्र में हाथियों का तांडव जारी है। 70 हाथियों का झुंड अचानक पश्चिम बंगाल से चाकुलिया में प्रवेश कर गया। उधर हाथियों ने दो घर को तहस नहस कर दिया। वैसे हाथियों के चाकुलिया में पहुंचते ही ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। बताया जा रहा है कि हाथी दो झुंड में चल रहे हैं। उधर बड़ा मारा पंचायत के मकड़ी गांव में हाथियों के पहुंचते ही लोग अपने गांव छोड़कर दूसरे गांव में शरण लिए हुए हैं। हालांकि इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई, वहीं वन विभाग की कोई भी अधिकारी अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया है। फिलहाल QRT की टीम हाथियों को भगाने में जुटी है। फिलहाल हाथियों का झुंड देख लो काफी दहशत में है। পেছনে দাঁতালটা আছে, যাও না পেছনে গোল করো না। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में भाग लेने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव मंगलवार को शहर पहुंचे। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही राज्य में बैंकिंग सुविधाओं और योजनाओं की समीक्षा भी की गई। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में हिस्सा लेने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत किशन राव कराड मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उनके साथ जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संजीव सिन्हा, नबार्ड के गौतम कुमार, एग्रीकल्चर विभाग अधिकारी सहित सभी बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। वैसे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने राज्य के सचिव स्तर के पदाधिकारियों की इस बैठक में हिस्सा नहीं लेने पर नाराजगी जताई। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि झारखंड में बैंकिंग सुविधाओं एवं योजनाओं की समीक्षा की गई है। कुछ बिंदुओं पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। वहीं जनधन योजना के मामले में उन्होंने झारखंड को रैंकिंग राष्ट्रीय औसत से बेहतर बताया। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना, स्ट्रीट वेंडर योजना आदि की समीक्षा करने के बाद उन्होंने संतुष्टि जताई एवं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। कुल मिलाकर बैठक को उन्होंने सफल बताया। उन्होंने बताया कि राज्य के बैंक अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, थोड़े बहुत सुधार की गुंजाइश जरूर है। ये स्टेट लेवल बैंक कमेटी की मीटिंग थी। हमारे BK मिश्रा जी ने स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए थे, पर्टिकुलरली कम से कम फाइनेंस सेक्रेटरी तो यहाँ आना चाहिए थे, वो आए, मुझे पता नहीं था। एनीवे, मैं केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ आया हूँ और इस राज्य में जो जो बैंक की तरफ से सुविधा कैसी है, अलग अलग स्कीम्स कैसी चल रही है, इसी का रिव्यू लिया है। और रिव्यू लेने के बाद कुछ स्कीम्स ऐसी है कि इस राज्य में अच्छी चल रही है। गत 7 जून को आदित्यपुर के साथ भुवनी मैदान में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में एक अन्य आरोपी शेरू सरदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं न्यायालय में सरेंडर करने वाले दिनेश महतो से पूछताछ जारी है। आदित्यपुर थाना पुलिस ने बीते 7 जून को सात भुवनी दुर्गा पूजा मैदान में हुए ट्रिपल मर्डर मामले के एक अन्य आरोपी शेरू सरदार उर्फ शेरू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं न्यायालय में आत्मसमर्पण करने वाले अपराध कर्मी दिनेश महतो को भी पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ये
ये जिले के आदितपुर थाने के सतबहनी दुर्गा मैदान में विगत 7 जून 2022 की रात्रि करीब 10:45 बजे 3 व्यक्तियों की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया गया है। जो 3 मृतक थे जिनकी हत्या की गई है उसमें पहले आशीष गोराई, राजू गोराई एवं सुबीर चटर्जी एट द रेट रावण, ये 3 व्यक्तियों की हत्या की गई थी। लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर भारत सरकार गृह मंत्रालय के निर्देश पर साइबर अपराध के प्रति जागरूकता के लिए अभियान चलाया जा रहा है। लगातार बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साइबर अपराध के प्रति जागरूकता अभियान को भी शामिल किया गया है। इस कड़ी में मंगलवार से झारखंड के जमशेदपुर में 4 दिवसीय साइबर सेफ्टी और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरूकता शिविर की शुरुआत हुई है। इसके तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को साइबर अपराध से जुड़ी जानकारियां दी जाएगी। इस अभियान में नुक्कड़ नाटक, क्विज प्रतियोगिता, जागरूकता वाहन, कविता लेखन, पेंटिंग प्रतियोगिता आदि के जरिए लोगों को साइबर अपराध से बचने की जानकारी दी जाएगी। जमशेदपुर शहरी एवं ग्रामीण SP ने मंगलवार को इस अभियान को हरी झंडी दिखाई। शहरी एवं ग्रामीण SP ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करना है। सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे भारत में बढ़ते हुए साइबर अपराध को देख के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया था कि साइबर अवेयरनेस वीक चलाना है हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा। तो उसी के तहत 14 से 17 तक जमशेदपुर में साइबर अवेयरनेस वीक चलाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जो भी सिटीजन्स हैं का अवेयर हों कि क्या क्या साइबर फ्रॉड होता है। और इसमें इसके अलावा काफ़ी और इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, काफ़ी जगह नुक्कड़ नाटक का इंतजाम किया गया है। चांडिल में आपदा प्रबंधन की बैठक में आने वाले मॉनसून के मद्देनज़र चांडिल डैम के जलस्तर को 180 से 183 मीटर तक ही रखे जाने पर चर्चा हुई ताकि विस्थापितों को किसी तरह की जान माल का नुकसान न उठाना पड़े। मॉनसून की आहट को देखते हुए चांडिल में आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें चांडिल डैम के जलस्तर पर चर्चा की गई। मालूम हो कि हर वर्ष चांडिल डैम के जलस्तर की वजह से आसपास के गांव और विस्थापितों के मकान जलमग्न हो जाते हैं। चांडिल डैम के जलस्तर को 180 या 183 मीटर तक ही सीमित रखा जाए, इस पर गंभीर मंत्रणा हुई। सभी उपस्थित हैं, कैसे चांडिल डैम का पानी कैसे रखा जाए जो हमारे विस्थापित भाई का दिक्कत ना हो उसी के बारे में, लेकिन यहाँ पर जो भी विभाग हैं विभाग हमेशा उसको इतना रखने का 183 रखने का ये करते हैं, लेकिन हम हमेशा जनता विस्थापित का साथ हैं। हम कभी 80 से ऊपर नहीं, इस बार भी जाने आप लोगों को डूबने नहीं देंगे। कोविड इमरजेंसी केयर मैनेजमेंट पर मंगलवार को एक कार्यशाला का आयोजन स्थानीय सिविल सर्जन कार्यालय प्रेक्षा गृह में किया गया जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी, ड्रग थेरेपी आदि पर चर्चा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार, ACMO डॉक्टर साहिर पाल के द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में कोविड से बचाव में चिकित्सकों की भूमिका, ऑक्सीजन थेरेपी, ड्रग थेरेपी, वयस्क गर्भवती महिला, नवजात बच्चों और किशोर किशोरियों को कोविड के दौरान उनके इलाज की पूरी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही साथ इन्फेक्शन से बचाव, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के प्रयोग के बारे में बताया गया। बायोमेडिकल वेस्ट और चिकित्सीय सुविधा की तैयारियां और उसके प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साइबर सेफ्टी सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए साक्षी बाजार में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। ये देखा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के कलाकार साइबर ठगी और साइबर अपराध के विरुद्ध जागरूकता के लिए बहुत ही सुंदर नुक्कड़ नाटक का मंचन किए है। आप जमशेदपुर के सभी नागरिकों के तरफ से नई दिल्ली से आए हुए सभी कलाकारों का हम अभिनंदन करते हैं और आपके प्रति हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप इतने दूर से आए और साइबर अपराध और साइबर ठगी के विरुद्ध आम लोगों को जो आप जागरूक करने का आपने ये जो मुहिम छेड़ा है इसमें पुलिस के साथ साथ हम जमशेदपुर के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहेंगे कि आप भी इसमें अपना साथ दें और ये जो साइबर चोर है, जो साइबर ठग है, जो साइबर अपराधी है उनके मंसूबे को हम नाकाम करें। और विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में IMA जमशेदपुर शाखा की ओर से मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों ने रक्तदान किए।
विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में IMA जमशेदपुर शाखा की ओर से एक मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वैसे आज के इस दिन में विश्व भर बड़ी संख्या में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रक्त एकत्रित किए जाते हैं। इसी कड़ी में IMA जमशेदपुर द्वारा भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। IMA जमशेदपुर के महासचिव डॉक्टर सौरभ सिन्हा ने कहा कि रक्तदान एक महादान है और इसमें सभी को हिस्सा लेना चाहिए। आज के इस खास दिन में तमाम डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दे रहे हैं। आज वर्ल्ड डोनर्स डे है, विश्व रक्तदान दिवस, उसके उपलक्ष्य में IMA जमशेदपुर ने एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हमारे जो मेंबर्स हैं, हमारे जो शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर्स हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और जो भी हम ब्लड कलेक्ट करेंगे वो गरीब लोग जो हैं जिनको मदद जल्दी नहीं मिल पाती है उनकी सेवा के लिए ये हम इस्तेमाल करेंगे। हमारा इसमें लक्ष्य है और हमारा मकसद है कि IMA के ब्लड डोनेशन कैंप को देखते हुए और भी लोग प्रोत्साहित हों। चांडिल साधु मठ बांध में पूर्णिमा के दिन महंत विद्यानंद सरस्वती की देखरेख में प्रभु जगन्नाथ को मंत्रोच्चार के साथ स्नान कराया गया। तत्पश्चात प्रभु बीमार हो गए। अब वे भक्तों को 28 जून को दर्शन देंगे। सरायकेला खरसवा जिले के चांडिल स्थित साधु बांध मठ में मंगलवार पूर्णिमा के दिन 14 जून को साधु बांध मठ में झुआ अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महंत श्री विद्यानंद सरस्वती की देखरेख में महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी का स्नान यात्रा हुआ। दूध चंदन घी मधु गुलाब जल से जगन्नाथ स्वामी जी का स्नान कराया गया। स्नान यात्रा के बाद श्री जगन्नाथ स्वामी बीमार हो गए। अब वे भक्त को 28 जून को दर्शन देंगे। महाआरती एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी का पूजा अर्चना की गई। पूजा के बाद भक्तों के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। स्नान होते होते जना आज भगवान का बीमार पड़ जाते हैं और फिर पुनः जना अमावस्या के दिन इनका जना नेत्र जो है ना बीमार के बाद जना अमावस्या के दिन ही इनका नेत्र खुलता है। उस दिन से ब्राह्मण भोजन भंडारा और हवन पूजन का आयोजन किया गया है। चांडिल प्रखंड कार्यालय में विधिक जागरूकता सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अंतिम व्यक्ति तक न्याय की किरण पहुँचाने एवं लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने पर बल दिया गया। चांडिल प्रखंड मुख्यालय में विधिक जागरूकता सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। ADG वन अमित शेखर एवं BDO मनीष कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में कार्यक्रम के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए अंतिम व्यक्ति तक न्याय की किरण पहुंचाने एवं वंचित लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के संबंध में जानकारी दी गई। हमारे विकास योजनाओं को एक साथ अगर सम्मिलित कर दें तो उसका एक प्रतिफल है ये हमारा जो जागरूकता शिविर या कानूनी विधिक जागरूकता शिविर और सशक्तिकरण शिविर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज टाइम्स। OBC, ST, SC और BPL बच्चों के लिए सुनहरा मौका है। यहाँ पर आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ में मिल रही है, आपको लाइब्रेरी है, मेडिकल है, जिम है, मतलब टोटली आपको सारे 10th क्लास के पास जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके पास में फिनेंशियली प्रॉब्लम हो जाते हैं, वो बच्चे इस स्कूल के लिए कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको फूडिंग चार्ज 5,000 रुपीज़ देना होगा, बाकी आपका प्लेसमेंट भी है। आप पढ़ाई करने के बाद आपको यहाँ से जॉब भी ऑफर होगा 101%। We'll be right back.
छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर। पारा मेडिकल कोर्स में नामांकन ले और प्रोफेशनल करियर बनाए। 111 सेव लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सभी पारा मेडिकल कोर्स का संचालन किया जा रहा है। 2 years जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा कोर्सेस। बहुत कम अस्पताल कार्डियक कैथ लैब, डायलिसिस, क्रिटिकल केयर जैसे विषयों में प्रशिक्षण और पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो भी छात्र इस प्रोफेशनल कैरियर को बनाने में इच्छुक हैं उनके लिए यह कोर्स काफ़ी लाभदायक साबित होगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा पता 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल, अलाइड हेल्थ एजुकेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के सामने, आदित्यपुर 2। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में 3 एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है। जो झूले हैं, जो राइड्स हैं, इस बार हमने एक बड़ा ब्रेक डांस लेके आए हैं जो नया लुक में है। वो उम्मीद है कि इससे पहले भी जो लगाए हैं ब्रेक डांस काफ़ी लोगों को पसंद आया है और ये जो हम नई वाली जो ब्रेक डांस लेके आए हैं ये भी काफ़ी पसंद आएगा। हम यहाँ के लोगों को कहना चाहेंगे कि एक ही कैंपस में ये सारी सुविधा, खाना पीना, मार्केटिंग एंड झूले, बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए झूले, एक साथ जो लेके आते हैं और सबको यहाँ पे इंजॉय करने का एक मौका मिलता है गर्मी की छुट्टियों में। साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहाँ मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतरराष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, डोरा डोरा, स्लम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहां ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहां हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहां हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहिष्य स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9113438213।
उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर इन अ रीजनेबल प्राइस। हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं, और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा हर हॉस्पिटल में मरीजों को कम एक कीमत पे खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साक्ची, जमशेदपुर। एल्काडो हेल्थ केयर, आवर एक्सपर्टीज योर हेल्थ। एल्काडो हेल्थ केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, एल्काडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिस्टपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, टीएमटी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी ओपीडी की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडियाट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मय विद्यालय, बिस्टपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446 4748 and 49। हमारा ईमेल आईडी है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन, आपकी खूबसूरती पर चार चांद लगाने, अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। कुंदन सेट्स, इंडियन एंड वेस्टर्न इयररिंग्स, ऑल टाइप्स ऑफ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल। हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी,
कॉन्टैक्ट 8271-99046। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धातकीडी जमजम स्टोर के सामने कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। निकेतन CBSE एफिलिएटेड, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। इंडियन बेकरी स्पेशलिस्ट इन केक एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम। ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी। स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक। All types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.